इंदौर शहर में आए दिन जुर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह इंदौर में हाल ही में रेलवे विभाग द्वारा की गई लापरवाही सामने आई। यात्रियों का ध्यान रखना रेलवे के कर्मचारियों का काम है, लेकिन उसी काम और सेवा की आड़ में चल रहा है रिश्वतखोरी का धंधा। पूरा मामला इंदौर से चलने वाली ट्रेन अहिल्या नगरी एक्सप्रेस का है। यह ट्रेन इंदौर से तिरुवनंतपुरम का सफर 3 दिनों में तय करती है। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें कैटरिंग कंपनी किसी श्रीनिवासन नामक व्यक्ति की है। इस कैटरिंग कंपनी का कर्मचारी केएनएन के खुफिया कैमरों में कैद हुआ। काफी और चाय की खराब क्वालिटी के सवाल पर कई बड़े खुलासे कर रहा है। कर्मचारी ने बताया कि 1 लीटर दूध में 45 काफी बनाना पड़ती है, क्वालिटी कहां से देंगे। फिर बताया कि 1,00,000 रुपए रिश्वत रेलवे के अधिकारी को इंदौर से तिरुवनंतपुरम तक के 3 दिनों के फेरे की रिश्वत देना पड़ती है। हमारा माल बीके या न बीके, हमको उसको रिश्वत के 1,00,000 रुपए देने पड़ते हैं। अब देखते हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद रेलवे अधिकारी इस कैटरिंग संचालक को 1,00,000 रुपए की रिश्वत खाने वाले रेलवे के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करती है। इसमें मतलब 1 लीटर दूध में कितनी बन जाती है? 1 लीटर दूध में 45 कप। सारे रेलवे कैटरिंग में यही होता है। आप लोगे, आप खुद बोलोगे 1 लीटर लो, एक लीटर दूध में 45 कप कॉफी बना देते हो? चाय मतलब 1 लीटर दूध के 450 रुपए बनाते हो आप लोग, मतलब कैटरिंग वाला। अच्छा, खर्चा बांटना पड़ता होगा, कितना बांटना पड़ता है? रेलवे को पैसा देता है, इधर उधर सब। मतलब रेलवे के अधिकारियों को भी देना पड़ता है आप लोगों को? कितना परसेंट देना पड़ेगा? टेंडर जो लेता है कितना परसेंट बढ़ता है पैसा? कितना परसेंट बढ़ता है? इतना बढ़ता नहीं है, ये नहीं। मतलब इसका फीस रिवेंडम टू इंदौर अप एंड डाउन की 1,00,000 रुपए उसको चाहिए। बिल देते हो क्या उसका? हो या ना हो, मतलब रेलवे को 1,00,000 रुपए चाहिए। टेंडर होने के बाद भी? टेंडर में तो उसको पैसा ही दिया जाता है ना, ट्रिप बैटरी उसको देता है ना, डिपोजिट अलग देता है। अभी टेंडर किन का है? शिव प्रसाद। श्री प्रसाद जी, धन्यवाद। 2 तारीख को, आज 3 तारीख को जब सुबह ट्रेन में चाय वाला आया और उसने हमने जब चाय ली तो चाय भी ली, कॉफ़ी भी ली, तो वो बहुत ही गंदी क्वालिटी की थी। जब उससे बोला गया कि भैया तू एक्स्ट्रा पैसे ले ले और पर अच्छी क्वालिटी की चाय दे दे, तो उसका कहना था कि अच्छी क्वालिटी की नहीं दे सकता क्योंकि हमको ऊपर तक पैसा बांटना पड़ता है और ठेकेदार का प्रेशर रहता है कि 1 लीटर दूध में 45 कप चाय बनाना पड़ती है। तो बोले इतना सब करेंगे तो क्वालिटी कहाँ से दे पाएंगे। उसके अलावा रेलवे के अधिकारियों के बारे में भी कहा कि उनको भी एक फेरे के, जो कि 3 दिन में जब एक फेरा लगता है इंदौर से तिरुवनंतपुरम तक का इस गाड़ी का, तो उसके भी हर प्रत्येक फेरे के 1,00,000 रुपये रिश्वत कैटरिंग के लिए अधिकारियों को देना होता है। जब इतनी रिश्वत बांटेंगे तो क्वालिटी कहां से दे पाएंगे, यह उस कैटरिंग कर्मचारी का कहना था। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक रेलवे कर्मचारी चाय कॉफी की मिलावट के लिए अधिकारियों द्वारा ले रहे रिश्वत को लेते दिखाया गया है। इसी सिलसिले में इंदौर के PRO जितेंद्र कुमार ने अपनी ओर से हाथ खड़े कर लिए और कहा अगर ऐसा है तो जो भी शख्स है सामने आए और ऐसा कुछ होता है तो उच्च अधिकारी से बोले ताकि एक जांच दल बिठाकर उच्च कार्रवाई हो सके। देखिएगा, हमारे इंदौर से, वेस्टर्न रेलवे के इंदौर से काफ़ी ट्रेन है जिसमें पेंट्री कार हैं और पेंट्री कार में जो भी खाद्य पदार्थ होता है हम लोग उसको इंस्पेक्ट करते हैं और अगर कोई गलत मिलता है तत्काल प्रभाव से उस पर जुर्माना करते हैं। यहाँ तक है कि उसको वार्निंग दी जाती है अगर इस तरह का कुछ है। और रहा सवाल, अगर कोई भी एम्प्लॉई इस तरह की बात करता है तो वो प्रत्यक्ष में कुछ बताए। दूसरी बात यह है कि कोई भी एम्प्लॉई कैसे बोल सकता है कि वो एम्प्लॉई थोड़ी रिश्वत देता है किसी को। तो हमारी तरफ से ये है कि उसमें हमारे सब कुछ क्लियर है। हमारे यहाँ से अगर गंदगी मिलती है, क्वालिटी ख़राब मिलती है तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उस पर एक्शन लेते हैं हम लोग और जुर्माना करते हैं। तो हमारी तरफ से तो ऐसा इस टाइप का कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा सकती है। सर, क्वालिटी की भी बात सामने आई है कि क्वालिटी ख़राब है और हमको इतने दूध में इतनी कॉफ़ी और चाय बनाना पड़ता है। देखिएगा, एक सिस्टम है रेलवे का, अगर हम लोग खाने की बात करें तो उसकी हर चीज़ की क्वालिटी है और क्वांटिटी है, उतना ग्राम होना ही चाहिए। अगर सब्जी इतनी होनी चाहिए, पूरी का साइज इतना होना चाहिए, उसका इतना ग्राम होना चाहिए, दूध अगर चाय बन रही है तो इतना उसमें दूध होना चाहिए, वो सब उसमें बाइफर्केशन है और उसके मुताबिक ही चलता है।
हम लोग टाइम टू टाइम सारी पेंट्री कार में इंस्पेक्शन करते हैं, हमारा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर्स काफ़ी उसमें करते हैं, अगर इस तरह का कुछ वाकयात मिलता है तो हम लोग इस पर एक्शन देते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो उसमें हम लोग खाद्य पदार्थ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अगर गलत है तो उस पर एक्शन रेल प्रशासन लेता है। सर अभी जो सर्वेंट है, अगर इसने बोला है ऐसा कि अगर जैसे रिश्वत का मामला सामने आया है, तो सर इसके ऊपर फिर क्या करेंगे? देखिए, एक सर्वेंट किस लेवल का आदमी होता है, सर्वेंट की तनख्वाह होती है 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये, वो कैसे बोल सकता है कि इस तरह का? अगर ऐसा है तो आप जो फुटेज है आपके पास, हमारे हायर ऑफिसर को आप भेज सकते हैं और उस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन हो सकता है।